1927 में आज ही के दिन हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री और टीवी कलाकार कामिनी कौशल का जन्म हुआ था। कामिनी कौशल का असली नाम उमा कश्यप था, लेकिन चेतन आनंद ने उन्हें कामिनी का नाम दिया, जिससे वो फिल्म जगत में जानी गईं। फिल्म नीचा नगर और विराज बहू में निभाई गई भूमिका के लिए कामिनी को खास तौर पर जाना जाता है। ऐसा कम ही देखा जाता है कि किसी फिल्म में अभिनेत्री का नाम हीरो के नाम से पहले आए, लेकिन 40 के दशक में कामिनी कौशल की फिल्मों में उनका नाम हीरो से पहले आता था। फिल्मों के अलावा कामिनी कौशल ने ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के साथ मिलकर बच्चों के लिए कठपुतली और कहानियों के कार्यक्रम भी बनाए। कामिनी कौशल ने अपने करियर में 60 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। 2007 में आई फिल्म लागा चुनरी में दाग कामिनी कौशल की आखिरी हिंदी फिल्म है। ১৯৩৮ में आज ही के दिन बांग्ला के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद चट्टोपाध्याय का निधन हुआ था। बचपन से ही शरद चंद पर रवीन्द्रनाथ ठाकुर और बंकिम चंद चट्टोपाध्याय का गहरा प्रभाव था। शरद चंद ललित कला के छात्र थे, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते वह इस विषय की पढ़ाई नहीं कर सके। रोजगार की तलाश में शरद चंद बर्मा गए और लोक निर्माण विभाग में क्लर्क के रूप में काम किया। बर्मा से लौटने के बाद उन्होंने गंभीरता से लिखना शुरू किया और अपना पहला प्रसिद्ध उपन्यास श्रीकांत लिखा, जिसको लोगों ने खूब सराहा। इसके बाद उन्होंने अनेक उपन्यास लिखे, जिनमें पंडित मोशाय, बैकुंठेर बेल, मेज दीदी, दर्प चूर्ण, अभागिनी का स्वर्ग, अरक्षरणिया अनुपमा का प्रेम, गृहदा, सती आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा शरद चंद के कुछ मशहूर उपन्यासों जैसे चरित्रहीन, देवदास पर हिंदी फिल्में भी बनी। ১৯৭০ में आज ही के दिन कर्नल मुअम्मार गद्दाफी ने अहिंसक सत्ता पलट के बाद लीबिया के शासन को अपने हाथों में लिया था। सैन तख्ता पलट के बाद 28 वर्षीय गद्दाफी ने प्रधानमंत्री का पद लिया और अपनी काउंसिल में 4 लोगों को नियुक्त किया। इससे पहले कर्नल गद्दाफी ने रक्षा और आंतरिक मंत्रियों द्वारा तख्ता पलट की योजना को नाकाम किया था और दोनों मंत्रालयों को अपने कब्जे में कर लिया था। अरब एकजुटता की हमेशा वकालत करने वाले कर्नल गद्दाफी ने तख्ता पलट के बाद ब्रिटेन को आदेश दिया कि वो लीबिया से अपने सैन्य अड्डों को छोड़कर वापस लौट जाए। लीबिया का शासन संभालने के बाद उन्होंने वहां के वाणिज्य और उद्योग का लीबियाईकरण करने की मुहिम शुरू की। कर्नल गद्दाफी की गिनती विश्व के सबसे बड़े तानाशाहों में होने लगी थी। 1979 में ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी देश छोड़कर अपनी पत्नी के साथ मिस्र चले गए थे। सरकारी रिपोर्टिंग के मुताबिक कहा गया था कि वह छुट्टी मनाने मिस्र गए हैं, लेकिन असल में ईरान के नए प्रधानमंत्री ने उन्हें देश छोड़कर जाने के लिए कहा था। ईरान में कई महीनों से सुरक्षा बलों और शाह के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। यह विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुए जब ईरान के धर्मगुरु आयतुल्ला रहुल्ला खुमैनी फ्रांस से लौटे और ईरान में एक लोकप्रिय धार्मिक गणतंत्र की स्थापना के लिए देशव्यापी मुहिम चलाई। इसके बाद सितंबर में ईरान के कई शहरों में सैन्य कानून लागू कर दिया गया, लेकिन ईरान में तेल कारखानों के कर्मचारियों ने एक हड़ताल शुरू कर दी, जिसके बाद पूरे ईरान में दंगे फैल गए और आयतुल्ला के समर्थन में रैलियां होने लगी। इसके बाद आयतुल्ला ने जनमत संग्रह के बलबूते पर डॉक्टर बख्तियार की सरकार को गिराकर ईरान को एक लोकप्रिय धार्मिक गणतंत्र बनाने की घोषणा की।